जेई मेन 2020 का 8 जनवरी का एक सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, अमंग द कंपाउंड्स ए एंड बी विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18O3, C9H18O3 का DU1 है, इसका मतलब एक रिंग के बाद कुछ पॉसिबल नहीं है और इन्होंने एक रिंग के बाद कोई पाई बॉन्ड बनाया भी नहीं है ऑप्शन में। ए इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी, द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी आर। पहले ऑप्शन में इन्होंने ए के लिए बनाया है 3 प्राइमरी अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ और बी के लिए बनाया है 3 ईथर्स मिथाइलेटेड ईथर्स विद साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन में बनाया इन्होंने 2 सेकेंडरी अल्कोहल और 1 प्राइमरी अल्कोहल ए के लिए और बी के लिए ईथर्स बनाया। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने ए के लिए ईथर्स बना दिए जो कि नहीं संभव है और बी के लिए इन्होंने अल्कोहल बना दिया। फोर्थ ऑप्शन में फिर से इन्होंने ए के लिए तो इन्होंने प्राइमरी अल्कोहल्स बनाए हैं और बी के लिए इन्होंने सेकेंडरी अल्कोहल और वाला ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जरा देखें तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा है, यानी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने इसमें ऑप्शन टू में इसको ए कहा है और इसको बी कहा है, ठीक है ना। ये बी है और ये ए है, जरा इसको जरा देख लीजिए नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। अगर एल्कोहल है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर ईथर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब ये एक ट्राईऑल है, ए और बी यहाँ पर ईथर है, दूसरे में ए ईथर है और बी एल्कोहल है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, जो फर्स्ट ऑप्शन में तो सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में फिर से उन्होंने ए को बताया हुआ है ईथर और बी को बताया हुआ है एल्कोहल, तो ये भी संभव नहीं है। फोर्थ में दोनों को उन्होंने एल्कोहल बताया हुआ, दोनों में ट्राईऑल्स हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर भी बराबर होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें से है ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऑप्शन नंबर वन क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि नहीं होती तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला DU वगैरह सब सेम है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए निकलेगा ऑप्शन नंबर 1, प्लीज नोट कर लें।